कासगंज क्षेत्र में 13 दिन पूर्व नाटकीय ढंग से किए गए अगवा 4 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सर्विलांस की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही पुलिस टीम ने 2 महिला सहित अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त की बाइक और फिरौती के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गाँव ककराला निवासी अशोक कुमार के 4 वर्षीय पुत्र हरेंद्र को 21 फरवरी को बाइक सवार होने घर से अगवा कर लिया था। इस खुलासे के लिए सर्विलांस टीम के प्रेमपाल सिंह यादव स्वाट टीम के प्रभारी मुकेश त्यागी को लगाया गया था। टीम ने सोमवार की रात बरेली से कासगंज आ रही ट्रेन को जंगल में चेन पुलिंग करके हरेंद्र को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ता महिला राधा रानी कमलेश नीतू के अलावा राहुल पवन निवास अहरोली को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगे थे। खुलासे से गदगद एसपी ने डीआईजी स्तर से 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उधर बच्चे की बरामदगी के बाद हरेंद्र की मां सुनीता को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता मौसी के बेटे बेटी पुत्र वधू शामिल हैं। फिलहाल 5 को जेल भेजा जा रहा है। सुनीता, आपके बच्चे को अगवा किया गया था, पुलिस ने बरामदगी की कड़ी मशक्कत के बाद, क्या आप पुलिस के लिए कहना चाहते हैं? हम पुलिस के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो मेरा बच्चा पुलिस वालों ने ढूंढ कर निकाला और वो पूरी कोशिश करी, रात दिन एक कर दी और हमारा बच्चा उन्होंने दे दिया ढूंढ कर, और हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वो हमारे रिश्तेदार थे, खास मौसी या सास थी, उनके सब पूरे परिवार निकला और उन्हीं ने ये किया सब। कितने रुपए की फिरौती मांगी जा रही? 5 लाख की मांगी थी फिरौती, फिर हमने पुलिस से कहकर पुलिस वालों ने हमारा सब संग दिया और पुलिस वाले ने हमारा बच्चा ढूंढ कर निकाला, बहुत किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और सनसनीखेज की अपहरण घटना हुई थी पटियाली थाने में। हरेंद्र नाम का 4 साल का बच्चा है, मासूम, आंगनवाड़ी है उसकी माँ, बाप काम करता था दिल्ली में। उसको ये पवन नाम का साथी अपराधी है, इसने योजनाबद्ध तरीके से, उस दूर का रिश्तेदार भी है, 2 साथियों को भेज करके बालापसला के बच्चे को उठा लाया, फिर फिरौती की मांग शुरू किया इसने। 5 लाख रुपए की मांग चल रही थी और बच्चे को दर बदर लोकेशन बदल रहे थे, बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को, हम इसके पीछे लगे हुए थे। जब इसमें कॉल आई है फिरौती की, तब हम जो है इंस्पेक्टर ने जब बताया, तब एडिशनल एसपी को कमान सौंपी गई और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक तरीके से हमारी एसओजी की टीम, इंस्पेक्टर छोटेलाल, मुकेश त्यागी, इंस्पेक्टर पटियाली, सब ने मिन करके 2-3 दिन अथक प्रयास करके इसको जब घेराबंदी करी है, मिरची में रेड करी है, फिर बरेली में रेड करी है, भागते रहे, फिर ये लोग उसमें ट्रेन में बच्चे को छोड़ के कूद के भाग गए हैं, वहाँ रिकॉर्ड किया मैंने। 5 गिरफ्तार हैं इसमें, महिला पुरुष मिला करके सब, 2 भगे हुए हैं। अब तक इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? आपराधिक इतिहास है, पवन पहले भी 384 के मुकदमे में जेल गया है, एनडीपीएस में जेल गया है, राधा जो उसकी बहन है जो बच्चे को रखे थी वो भी शराब तस्करी में जेल गई है। सर, बड़ा खुलासा है, टीम को क्या? टीम को 25,000 तो मैंने दिया है, लेकिन प्रसन्नता की बात है कि 50,000 डीआई साहब ने, जो लगातार मॉनिटर करते रहे हैं इस ऑपरेशन को, उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 50,000 का इनाम दिया है। अब जो कार्रवाई, पहले उनको गिरफ्तार करेंगे जो मेन भगे हुए हैं, उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और जो बन पड़ेगी।